इन सारी यादों को कैमरे में समेट के मैं साथ ले जाना चाहता था। उस दिन सब एक दूसरे से गले मिल रहे थे, इमोशनल होके वादे कर रहे थे कि टच में रहेंगे, साल में एक बार जरूर मिलेंगे। किसे पता था कि हम रैंचो को आखिरी बार देख रहे थे। हेलो गाइस, व्हाट इज योर वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। आई होप आप सभी लोग अच्छे हो। तो आइए आज की वीडियो शुरू करते हैं। एक ख्वाब तो ये सिलसिले हुए, दूर तक निगाह में है गुल खिले हुए, धड़कनों में तेरे गीत है मिले हुए। क्या कहूँ शर्म से लब सिले हुए, रघु छुपा के मैं सबसे वो लैला, मांगू ज़बान से रब से वो लैला, कब से मैं तेरा हूँ कब से तू मेरी लैला। तेरी तलब की है, तेरी तलब है, तू ही तो सब की है, तू ही तो सब है, कब से मैं तेरा हूँ कब से तू मेरी लैला। तो गाइज आज है हम लोग का फेयरवेल, मतलब स्कूल का लास्ट डे कह सकते हैं। वैसे अभी मैं आमिर का वेट कर रहा हूँ, फिर चलते हैं स्कूल, फिर देखते हैं जॉब का। बहती हवा सा था वो, उड़ती पतंग सा था वो, कहाँ गया उसे ढूंढो। हमको तो राहें थी चलाती, वो खुद अपनी राह बनाता, गिरता संभलता मस्ती में चलता था वो। कल की फिक्र सताती, वो बस आज का जश्न मनाता, हर लम्हे को खुल के जीता था। कहां से आया? तो फिर हम लोग स्कूल पहुंच चुके थे। स्कूल पहुंचने के बाद हम ये सोच ही रहे थे कि अंदर चलते हैं या नहीं, फिर याद आ जाता है कि हिमांशु का बर्थडे है आज। भाई पार्टी चाहिए रसोई में। भाई भाई हैप्पी बर्थडे। हम लोग का भाई हम लोग आज पार्टी देने वाला भाई रसोई में रहेगा ना। ये दोनों टेबल है, आज तो कंफर्म है बर्तन धुलेगा। अरे नहीं यार, वो ला वो काउंट्री करेंगे भाई, तू भी दे रहा है ना। हां काउंट्री करेंगे वन डे एक्स्ट्रा। अरे भाई पैसा यार, भाई किसी और को ले आने, उसने डोर ओपन कर नहीं यार, उसका हिस्से का मैं दे दूंगा, कोई बात नहीं। फिर स्कूल में आने के बाद हम लोग इधर उधर भटक ही रहे थे, फिर सोचते हम लोग चलते हैं थोड़ा फोटो खिंचा लेते हैं। यार बुलाने आए तो फोटो खिंचवा चले गए, हम लोग को बोले ही नहीं आने को। ठीक है चलो आते। फिर हम लोग फोटो खिंचवा ही रहे थे तब तक टीचर आ जाते हैं, फिर बोलते हैं कि चलो आप लोग को स्कूल से बाहर जाना होगा फिर से, और उसके बाद फिर से आप लोग की एंट्री होगी बड़े अच्छे तरीके से।
उसके बाद हम लोग स्कूल से बाहर चले जाते हैं, लेकिन वहाँ बाहर जाकर भी हमारी मौज मस्ती रुकती नहीं। उसके बाद आमिर ने दूसरे के चश्मे को लेकर चश्मे के साथ कला प्रदर्शन किया। उसके बाद हम लोग को पता चलता है कि आज के दिन भी हम लोग को लाइन बनाकर जाना पड़ेगा। मैंने कहा क्यों ना लंबर वाई जी बुलाया जाए। उसके बाद बालवीर की कई सारी भयंकर परी काले कपड़ों में हमें दिखाई देती है। खैर कोई बात नहीं, हम वीडियो में ध्यान देते हैं। भाई कसम से बहुत खूबसूरत आ रहे हो। क्या स्माइल भाई, ऐसा लग रहा है अभी अभी। पूरे साल बेइज्जती होने के बाद हमें एक बार इज्जत मिलने का समय आ ही गया था। फिर उसके बाद टीचर ने इशारा किया चलिए, फिर मैंने अपने कदमों को धीरे धीरे आगे बढ़ाया। फिर हमने करवाया तिलक और हमारे ऊपर की गई फूलों की बारिश। फिर मैंने लिया महानुभवी टीचर प्रिंसिपल और मैनेजर सर का आशीर्वाद, जहाँ पर हमारे प्रिंसिपल सर कह रहे थे बेटा मोबाइल को रख देना, लेकिन मैंने उन्हें व्लॉग में ले लिया। फिर प्रिंसिपल सर की खतरनाक सी स्माइल देखने के बाद मुझे लगा कि मामला यहाँ पर ख़त्म हो गया, लेकिन ऐसा नहीं था। फिर उसके बाद लगाया गया फेयरवेल का बैच, जिससे हमें यह पता चल चुका था कि हमें ऑफिशियली भगाया जा रहा है। उसके बाद हमारे हाथों में दिया गया गुलाब, जिससे थोड़ी सी चेहरे पर लोगों की स्माइल आ जाती है। फिर आगे हमारे स्वागत के लिए और भी जूनियर्स खड़े होते हैं, ये नल्ले बेरोजगार बस खड़े ही होते हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि हमारे ऊपर कम से कम फूलों की बारिश होगी, लेकिन इन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। उसके बाद मुझे मेरी औकात दिख जाती है। इसका ये बंदे का अलग दुख है, मेरा सिर्फ पनीर बना है। फिर उसके बाद हम लोग लेते हैं महंगे से स्टाइल में अपनी सस्ती सी एंट्री। उसके बाद करते हैं स्थान को ग्रहण। फिर हमें बोला जाता कि आप लोग खड़े हो जाइए, क्योंकि आप लोग को आज भी प्रेयर करनी होगी। मैं कहा यार आज भी प्रेयर। प्रेयर करने के बाद फिर हो जाता है प्रोग्राम स्टार्ट, जिसको हम लोग देखते हैं। फिर Yeah.
मिलेंगे तो हम मिलेंगे आप लोग का महत्व हमेशा ज्यादा रहे कुछ भी हो वो आप समझ रहे हैं ना लेकिन आज भी हम आप लोग को फर्स्ट प्रायोरिटी दे रहे हैं कोई देखो एक वीडियो बना रहा है और क्या सर यही सब तो याद रहेगा फेयरवेल खत्म करने के बाद हम लोग निकल लेते हैं राष्ट्रपति कुछ खाने पीने के लिए तो फिर चलते हैं वहाँ पर फिर उसके बाद हमने किया खाने के लिए ऑर्डर और मेरे दोस्तों को लगा कि मैं उनकी फ़ोटो खींच रहा हूँ लेकिन उनका चूतिया कट गया फिर हमें पता चला कि हमारे दो टीचर्स भी यहीं पर आ रहे हैं मैंने कहा ठीक है ज्वाइन कर ले मैं और भी बढ़िया रहेगा पहले पैसा ले लीजिएगा तब जा रहे और फिर खाने पीने के बाद हम लोग निकल लेते हैं घर की तरफ और आज का दिन इसी तरह खत्म हो जाता है तो गाइस खाने पीने के बाद मैं चल रहा हूँ घर की तरफ और यहाँ पर कर दिया हमने अपने स्कूल लाइफ को ख़त्म तो अब एग्जाम बाकी है बस तो गाइस आज की वीडियो में बस इतना ही थैंक्स फॉर वॉचिंग